शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है मराठी अक्षर भारती वर्कबुक स्टैंडर्ड 10 को सॉल्व करना, ठीक है। और जो बच्चे नए आए हैं ना, उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो भी आप लोगों का मराठी और हिंदी का जो सिलेबस है ना, वो पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन देखिएगा, उसके बाद ही वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स सॉल्व करने के लिए लीजिए। अगर लेसन ही आपको पता नहीं है तो फिर आप लोग किस तरह से आंसर्स लिख पाओगे एग्जाम्स में, है ना। एग्जाम में आंसर लिखने के लिए कविता लेसन समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया हुआ है वो देखना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों का ये जो है संतवाणी, संतवाणी में ये जो दूसरा है योगी सर्वकाल सुखदाता, तो ये लेसन मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है आप लोगों के लिए। एक बार मैं आपके जो वर्कबुक में भी दिया हुआ है, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि डिफ़िकल्टीज होती है रीड करने में, तो फिर मैं आप लोगों को ये रीड करके बताती हूँ ताकि अगर आप घर पे भी बैठ के पढ़ाई करो तो आप लोगों को हेल्प हो जाए, ठीक है। तो अभंगाचे शीर्षकाचा सा अर्थ, अभी शीर्षक मीन्स टाइटल, ये जो है योगी सर्वकाल सुखदाता का मीनिंग क्या है। योगी सर्वकाल सुखदाता म्हणजे योग साधना करणारा साधु पुरुष, सैंत जो होते हैं जो योग साधना करते हैं तपस्या करते हैं, हा कोणत्याही काळावर सर्व लोकांना समाधान देणारा असतो। कभी भी हर सिचुएशन में योगी जो होता है वो सबको स्ट्रेस फ्री करने का काम करता है। वो लोग गाइड करते हैं ना हम लोग को, तो उस जो गाइडेंस होता है उन लोगों का, तो उससे हमारा जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो जाता है। कितना टेंशन और डिप्रेशन में हम लोग हमारा लाइफ जीते हैं, जब कोई ऐसा योगी पुरुष हमें मिलता है और जब हमें वो हमारा वे ऑफ लाइफ के लिए गाइड करता है पॉजिटिवली, फिर उसके बाद हम लोगों को कितना हेल्प होता है कि अरे हाँ हम लोग तो ऐसे करना चाहिए, तो हम लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है अपना जी सकेंगे, ठीक है। तो यही योगी पुरुष का इसमें इम्पोर्टेंस बताया है कंपेयरिंग टू वाटर, आई थिंक यस। संत एकनाथ महाराज यांनी प्रस्तुत व्यांमधून पाणी आणि योगी पुरुष यांची तुलना केली आहे। तो योगी पुरुष की तुलना किसके साथ की है, इसमें पाणी के साथ की हुई है। योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे। अगर हम लोग दोनों में कंपेरिजन करते हैं तो योगी पुरुष जो है वो पाणी से भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। ओके, एसेटिक है। हे अनेक दृष्टांतातून उदाहरणातून स्पष्ट केले आहे। पहले के जो संतवाणी हम लोगों ने किया था तो उसमें भी दृष्टांत कहा है। दृष्टांत का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण। ओके, तो उदाहरण देके उन लोगों ने क्लियर किया हुआ है। सो सेंट्रल थीम ऑफ द अभंग डिवोशनल पोएट्री। इन द सेड अभंग संत एकनाथ हैज यूज्ड मेटाफोर टू कंपेयर एन एसेटिक विथ वाटर। Through numerous examples, he has elucidated the greatness and superiority of an ascetic than that of the water. तो मैं थोड़ा zoom करती हूँ जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। कवितेचा ओवीचा भावार्थ तो क्या है, इसके कविता जो लिखी हुई है संत एकनाथ जी ने उसके पीछे का भाव क्या है। पाणी आणि योगी पुरुष यांची तुलना करताना संत एकनाथ म्हणतात, जेवी चंद्र किरण चकोरांसी, पाखोवा जेवी पिलियांसी, जीवन जैसे का जीवांसी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व। ज्याप्रमाणे चकोर पक्षाला चंद्र किरण हवे असतात, चकोर पक्षी चंद्र किरणांमुळे जपतो, किंवा पिलांना जसे पक्षिणीच्या पंखांचा आसरा असतो, पाणी जसे सर्व जीव मात्रांना जीवनदायी असते, याप्रमाणे योगी पुरुषाच्या मनाचा मऊपणा कोमलता सर्वांना हवीशी वाटते। डिटेल और विथ एग्जाम्पल्स मैंने जो एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं वो आप लोग प्लीज देखिएगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ रीड करके दे रही हूँ, आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जड़ वरी वरी क्षाई मळ, योगी या सबाह्य करी निर्मळ, उदक सुखी करी एक वेळ, योगी सर्वकाळ सुखदाता। पाणी वरवरचे डाग किंवा मळ धुवून टाकते, पण योगी सर्वांची मने आतून बाहेरून निर्मळ करतो। पाणी एक वेळ प्यायल्यास जीवाला आनंद देते, परंतु योगी सर्वांना पूर्ण वेळ
किंवा कोणत्याही काळामध्ये सुख देणारा असतो। उदकाचे सुख ते किती, सवेची क्षणे तृषिते होती। उदक का मतलब है पानी, वॉटर। योगिया दे स्वानंद तृप्ती, सुखाशी विकृती पै नाही। तहानलेला माणूस पाणी प्यायल्यावर फक्त त्या क्षणाला त्याचे समाधान होते, त्याला त्या क्षणाचे सुख मिळते। पण योगी परम सुख देतो, अक्षय न संपणारे अखंड आत्मसुख देतो। योग्याने दिलेल्या सुखाचा नाश होत नाही, त्यात कोणतीही विकृती नाही, ते सुख सतत मिळत राहते। उदकाची जे मधुरता, ते रसने सीची तत्वता। योगी यांचे गोडपण पाहता होय निवविता सर्वेंद्रिया। पाण्याची गोडी फक्त जिभेला तृप्त करते, समाधान देते, परंतु योगी पुरुषांनी दिलेला गोडवा सर्व इंद्रियांना, शरीराला शांत करतो, समाधान देतो। मेघ मुखे अध पतन, उदकाचे देखो निजाण। अध पाते नीवती जन, अन्न दान सकळांची। ढगातून पाणी खाली जमिनीवर पडते, मातीवर पडलेल्या पाण्यातून अन्नधान्य निर्माण होते, म्हणजे ढगातून पडणारे पाणी वाहून लोक खुश होतात, त्यांचे मन समाधानी होते। पडणारे पाहून, म्हणजे ढगातून पडणारे पाणी पाहून लोक खुश होतात, त्यांचे मन समाधानी होते। तैसे योगियासी खालुते येणे, जे इहलोकी जन्म पावणे। जन निववी श्रवण कीर्तने, निज ज्ञाने उत्थरी। त्याप्रमाणेच योगी पुरुष जेव्हा खाली धरतीवर येतो, म्हणजेच तो जेव्हा इहलोकात मृत्यूलोकात जन्म घेतो, तेव्हा त्याच्या बोलण्याने, त्याचे बोल ऐकण्याने, त्याच्या विवेकी वागणुकीमुळे लोकांची मने समाधानी होतात। योगी पुरुष आत्मज्ञानाने समस्त लोकांचा, समाजाचा उद्धार करतो। ओके, तो ये जो है आपको मैंने रीड करके बताया है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मेरे चैनल में जाके देखना है, और इसके आगे के वीडियोस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के। लाइव स्ट्रीम में भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ, और इस तरह से वीडियोस भी अपलोड करने वाली हूँ। क्वेश्चन पेपर्स भी मैं पूरा कोशिश करने वाली हूँ कि आप लोग के लिए अपलोड करूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग लेंगे वर्कबुक सॉल्व करना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्कबुक सॉल्व करना। अभी क्या होता है ना, जो नॉन मराठी बच्चे होते हैं, या फिर समझो मराठी बच्चे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों को सब लेसन समझ में आया, सब वो रेडी है पढ़ाई वढ़ाई करके, लेकिन क्या होता है जब एग्जामिनेशन हॉल में तुम लोग बैठते हो और क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है ना, तो क्वेश्चन में अगर थोड़ा भी ट्विस्ट किया इन लोगों ने, तो आप लोगों को मीनिंग समझ में नहीं आती है। और स्पेशली जो बच्चे रट्टा मार के जाते हैं ना, उन लोगों का तो, उन लोगों की तो बहुत ही बैंड बजती है ना। ऐसा होता है तुम लोग के साथ में, बजे है ना तुम लोग की भी बैंड, जब कोई एक आंसर रट्टा मार के जाते हैं, फिर देखते हैं तो क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो गया तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले अरे मैंने तो वो वाला पढ़ा था, पता नहीं इसमें इस लोगों ने क्या पूछ लिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्वेश्चन समझना। अगर क्वेश्चन समझ में आया, चाहे वो लोग कैसे भी घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन पूछे, तो आप लोगों को आंसर लिखने आएगा। ओके, तो इसके लिए अभी हम लोग ये वर्कबुक क्यों सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए और क्वेश्चन समझ के आप आंसर्स लिखे। ठीक है, तो कृतीपत्रिकेतील प्रश्न दोन अ साठी प्रश्न, पुढील कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनांनुसार कृती करा। कविता ये जो है योगी सर्व काळ सुखदाता, एज पर इंस्ट्रक्शन, सूचना मीन्स इंस्ट्रक्शन जो भी दिए हुए है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर उन्होंने कृति करने के लिए कहा है, लिखने के लिए कहा है। ठीक है, अभी एक आकृतियां पूर्ण करा। इसके पहले का अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, तो उसमें जो भी तुम लोगों के एग्जाम्स की रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो भी मैं आप लोगों को बार बार याद दिलाते रहती हूँ, ताकि आप लोग एग्जाम में वो गलतियां ना करें जिस कारण आपके मार्क्स कट जाते हैं, और आप लोग को पता भी नहीं चलता कि टीचर ने आपके मार्क्स, आंसर सही होने के बावजूद भी आपके मार्क्स क्यों काटे। कुछ ऐसे सिली सिली मिस्टेक्स आप लोग करते हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अभी जैसे कि आकृतियां पूर्ण करा, ये जो क्वेश्चन है इसमें इन लोगों ने देखो अभी यहाँ पर आपको आकृति निकाली है, आकृति के अंदर इन्होंने लिखा है ना, योग्याचे मृदुत्व सर्वांशी त्याप्रमाणे, यानी जो उसकी प्रेम है, माया है, दया है, करुणा है, तो हर किसी के साथ कैसी है। ठीक है, तो अभी इन लोगों ने यहाँ पर आपको दिए है कुछ नाम, जैसे पिलियांसी जो पिली पिलू है उसके लिए कैसा है, जीवांसी जो जीवित है उनके लिए कैसा है, चकोर जो पक्षी है उसके लिए कैसा है,
तो ये जब हम लोग आंसर लिखेंगे ना, तो आप लोगों को एग्जाम में इस तरह से आकृति निकालना कंपलसरी है, ठीक है। अभी बहुत से बच्चे क्या करते हैं मालूम है, एग्जाम में जब तुम लोगों को इस तरह के सवाल आते हैं आकृतियां पूर्ण करा, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ बच्चे कैसे करते हैं जिसकी वजह से भी आपके मार्क्स कटते हैं। तो आकृतियां पूर्ण करा में एक तो सबसे पहला रूल ये है कि ये जो भी आकृति है, ये जो भी बॉक्स है, ये आप लोगों को पेन से ड्रॉ करके लिखने हैं, डायरेक्ट आंसर्स नहीं लिखने हैं। अभी जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, उसको अगर कहते हैं पीली आंसी, अभी ये मैं आंसर लिख रही हूँ, ठीक है, पीली आंसी। अभी पीली आंसी दिया इन लोगों ने, ऐसे एरो किया है, अभी इतना अप टू डेट तो हम लोगों को आंसर शीट मिलने वाला है नहीं, तो ये हम लोगों को ही बनाना है क्या नहीं। तो अभी तुम लोगों को क्या करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे बॉक्स बनाते हैं ऐसे और आंसर लिखते, तो इसका ऐसे आता है आंसर के पक्षिणीचा ऐसे लिखते हैं, पक्षिणीचा पंखा सारखी। अभी यहां पर गलत क्या कर दिया आप लोगों ने, बताओ मुझे जरा। हाँ, तो ये जो लाइन आपने मारा है उस लाइन के ऊपर आपको लिखना नहीं है। तो पक्षी नीचे पंखा सर के अगर आप लोगों ने ऐसे लाइन मार के लिखा तो ये है गलत। तो आप लोगों को कैसे लिखना है याद रखना, ये एंड तक याद रखना, पीली आंसी फिर एरो करके आप लोग लाइंस कैसे मारोगे, आकृति कैसे बनाओगे वो देखो, ऐसे, ठीक है, ऐसे आकृति बना के फिर आप लिखोगे पक्षिणीचा पंखा सारखी। तो ऐसे ही आप लोगों को हर आंसर लिखना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, आकृति निकाल के आंसर्स इस तरह से लिखने हैं। एंड तक आप लोग ये याद रखिएगा, वरना एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। सेम रूल मैथमेटिक्स के लिए भी है, हर सब्जेक्ट के लिए है, ओके। तो अभी ये जो है पीली आंसी पक्षिणीचा पंखा सारखी, थोड़ा झूम करती हूं मैं, पक्षिणीचा लाइन मारना भूलना मत तुम लोग, पंखा सारखी, ओके। फिर योग्याचे मृदु सर्वांशी आपण जीवांसी कैसे रहता है, पाण्या सारखी। और आंसर लिखते समय बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल भी कहीं पे भी शॉर्टकट मारने की कोशिश नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद है चकोरांशी, तो चकोर पक्षी जो है उसके लिए चंद्र किरणान सारखे, चंद्र किरणान सारखे, ठीक है। तो ये इस तरह से आकृति निकाल के आप लोगों को आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद दोन चकोराला हवे पिल्ला ना हवे, काय हवे चकोराला, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, चंद्र किरण, चंद्र किरण। आणि पिल्लांना हवे काय हवे, पक्षिणीचे पंख, पक्षिणीचे पंख, ओके। अभी योगी पुरुषाची चार वैशिष्ट्ये, वैशिष्ट्य मीन्स खासियत, योगी पुरुष की चार खासियत क्या है। तो योगी पुरुष जो है वो सबसे बहुत ही प्यार से सॉफ्टली बात करते हैं, तर योगी पुरुष सर्वांसाठी मृदु अस्तो, सॉफ्ट रहता है वो, झगड़ता है क्या, चिल्लाता है किसी के ऊपर नहीं, तो हमेशा वो सॉफ्ट रहता है। तो समय बचाने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर आंसर लिख कर दिए है, योगी पुरुषाची चार वैशिष्ट्य, कुछ ऐसी चार खासियत उसकी क्या है। तो योगी पुरुष सर्वांसाठी मृदु असतो, ते सर्वांशी मृदुत्व, सर्वकाळ सुख देणारा असतो, योगी
सर्व काल सुख दाता, स्वानंद तृप्ति देतो, योगी यादे स्वानंद तृप्ति, सर्व इंद्रियांना शांत करतो, होय निवविता सर्वेंद्रिया। ठीक है, ये चार खासियत हम लोगों ने यहाँ पर लिखे है, जो इस अभंगवाणी में ही है, इस संतवाणी में ही है। अभी आकलन कृति दोन, आकलन एक, पुढील तक्ता पूर्ण करा, ये जो चार्ट है वो पूरा कीजिए। योगी पुरुष आणि जीवन मीन्स पाणी यांच्यातील फरक स्पष्ट करा, तुलना करा, डिफरेंशिएट बिटवीन वॉटर एंड योगी पुरुष। तो इस अभंग में, इस संतवाणी में क्या क्या डिफरेंसेस बताए हुए है योगी पुरुष में और पानी में। तो फिर आप लोग देखो यहाँ पर डिफरेंस कैसे लिखोगे, ये मैंने लिखकर बताया है आपको। योगी पुरुष और पानी में क्या डिफरेंस है, उसे जीवन कहा गया है। सबाह्य निर्मल अस्तो कौन, योगी पुरुष। पानी का है वरवरचा मळ धुते, अगर आपको किधर गंदा लगा है उसको धोने का काम करेगा पानी, लेकिन वो पूरा इंटरनली हील कर पाएगा कि आपको नहीं। लेकिन ये जो है योगी जो है वो हमें पूरा अंदर से भी हील करता है, ठीक है, अपना जो हार्ट है उसको प्योर करता है। स्वानंद तृप्ति दे तो खुशी देता है, अपने अंदर छुपी हुई जो खुशी होती है वो हमें देता है। तहान शमवणारे क्षणाचे सुख देते, पानी क्या है कुछ पल के लिए अपनी प्यास बुझाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर प्यास लगती है ना। लेकिन जो योगी होता है वो क्या देता है, स्वानंद तृप्ति देता है। सर्व इंद्रियांना शांत करतो, अपने जितने भी ऑर्गन्स है ना उसको शांत करने का काम कौन करता है, तो योगी करता है। फक्त जीभेला तृप्त करते, और पानी जो है वो क्या करता है, अभी जब प्यास लगती है तुम लोगों को तो क्या होता है, पूरा गला सूखता है, मुंह सूखता है, जीभ जो अपना टंग जो है वो ड्राई हो जाता है ना। फिर जब हम लोग पानी पीते हैं तो वो क्या होता है, सिर्फ वो गीला हो जाता है, प्यास बुझती है उससे। तो पानी क्या करता है, सिर्फ टंग जो है उसको वो सेटिस्फाइड करता है, तृप्त करना मीन सेटिस्फाइड करना। और योगी जो है वो क्या करता है, अपने हर ऑर्गन को शांत करता है। आत्मज्ञानाने उद्धार करतो, जो भी उसको नॉलेज है उससे वो क्या करता है, लोगों का उद्धार करता है। फक्त अन्नदान करते, और पानी क्या करता है, हम लोग खेती करते हैं, खेती में पानी डालते हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ में पानी डालते हैं, वो क्या देता है, हम लोग को सिर्फ खाना देता है और अपनी प्यास बुझाता है, ये काम पानी करता है। लेकिन योगी जो होता है वो क्या करता है, हम लोगों का पूरा उद्धार करता है, उसका जो आत्मज्ञान है उसको जो इंटरनली नॉलेज मिला हुआ है वो हम लोगों को वो देता है और हमारा उद्धार करता है। तो ये फर्क यहाँ पर दिया हुआ है। एंड आई थिंक एग्जाम में तुम लोग को खाली दो ही पॉइंट लिखने के लिए आएंगे, फिर भी तुम लोग अच्छे से समझ लो, और प्लीज एक एक बार ये लिख कर निकालना सारे आंसर्स, वरना आप लोग पढ़ लेते हो आपको ऐसा लगता है कि आप लोग लिख लोगे, लेकिन लिखते समय फिर जो लैंग्वेज होने की वजह से काना मात्रा वेलांटी में सिली सिली मिस्टेक्स करते हैं आप लोग, उसमें आप लोग के मार्क्स कटते जाते हैं, फिर चार मार्क का आधा मार्क तक आ जाता है वो। तो इसीलिए लिखने की प्रैक्टिस करो, ओके। तो जिस तरह से प्रोनाउंस करोगे उस तरह से लिखोगे तो तुम लोगों की लिखने में गलतियां नहीं होगी, ठीक है। अभी ये आत्मज्ञान है, अभी लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लिखते समय एग्जाम में याद ही नहीं आएगा कैसे लिखना है करके। फिर ये जो अन्नदान है, सबसे ज्यादा गड़बड़ घोटाले तुम लोग करते हैं ना, जोड़ाक्षर और जोड़ शब्द में तुम लोग के सबसे ज्यादा गड़बड़ होते हैं, ठीक है, तो उसको जरा अच्छे से कर लेना तुम लोग। और कौन कौन करता है इसमें गड़बड़ जरा मुझे भी बताना, और जोड़ाक्षर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है ग्रामर का, तो एक बार वो देख लो, तुम लोग को बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दो योगी सर्व काल सुखदाता ही काव्य पंक्ति स्पष्ट करणारी दोन उदाहरणे प्रस्तुत अभंगाच्या आधारे लिया। अभी क्यों भाई, ये योगी हमेशा सुख देने वाला ही है, दाता का मतलब क्या होता है, दाता का मतलब होता है देने वाला, तर योगी सर्व काल सुखदाता, वो हमेशा सुख ही देते रहता है। तो ये जो तुम लोगों को अभंग में इन लोगों ने संतवाणी में कुछ एग्जाम्पल्स देकर प्रूव किया है इस बात को, है ना, तो उसमें के कौन से दो पॉइंट्स तुम लोगों को यहाँ पर, कोई भी दो पॉइंट तुम लोगों को यहाँ पर उन्होंने लिखने के लिए कहा है। तर एक, पाण्याने वरवरचा मळ निघतो, पानी जो है वो ऊपर से ही क्लीन करता है आपको, पण योगी अंतर बाह्य निर्मल करतो, लेकिन योगी जो है वो ऊपर से भी निर्मल करता है और अंदर से दिल भी हमारा वो क्या करता है, साफ करता है। जो नेगेटिविटी भरी रहती है हम लोगों में उसको पॉजिटिव करने का काम योगी करता है। पानी एकदा स्थान भागवते, पानी एक बार ही प्यास बुझाती है,
पण योगी सर्वकार मनाची तहान भागवतो। लेकिन कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होते ना, भाई कौन देगा मुझे ये आंसर, कौन बताएगा मुझे, तो ये कौन हेल्प करता है, उसके लिए योगी हेल्प करेगा। ठीक है, इसके लिए योगी जो है वो हमेशा अपनी जो भी डाउट है वो क्लियर करने का काम करता है। ओके, अभी आगे इन्होंने हमें पूछा है पुढील चौकटी पूर्ण करा, और ये 99.9% एग्जाम में आता ही है, तो जरा इसे समझ लो अच्छे से कि किस तरह से आप लोगों को ये आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, समझ में आने के बाद सब इजी है, पता नहीं है तो सब डिफिकल्ट है। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पर समझना ही सीख रहे हैं कि सवाल समझ के कैसे आप लोग आंसर्स लिखोगे। ओके, एक अभंगात वर्णी लेला मीन्स वर्णन केलेला चंद्र किरण पीऊन जगणारा पक्षी, कौन सा पक्षी है जो चंद्र किरण पी के जिंदा रहता है, वो है चकोर। अभी तक तो तुम लोगों को याद हो जाने ही चाहिए आंसर, जितना हम लोगों ने अभी रिपीट किया हुआ है वो हिसाब से आंसर तुम लोग को फटाक से बोलने आने चाहिए। उसके बाद है पिलाना सुरक्षितता देनारी, कौन है जो प्रोटेक्ट करता है बच्चों को, पिल्लुओं को, बर्ड के जो बच्चे हैं उन्हें पिल्लू पिल्ले कहा है इसमें, ठीक है, तो कौन प्रोटेक्ट करता है, पक्षिणी चे पंख, शाबाश, पक्षिणी चे पंख। ओके, तीन चिरकाल टिकनारा आनंद, चिरकाल यानी हमेशा टिककर रहने वाली खुशी, हमेशा टिकने वाली खुशी, चिरकाल जो कभी खत्म नहीं होगी ऐसी, वो कौन सी खुशी है, तो वो है स्वानंद तृप्ति। अभी स्वानंद तृप्ति कितने आंसर्स में आया है देखो, इसके लिए क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो हमेशा के लिए टिक कर रहने वाली खुशी कौन सी है, तो स्वानंद तृप्ति, अपने अंदर की खुशी जो कोई नहीं छीन सकता है, उसे कभी किसी को छीनने नहीं देना है हमें, ठीक है, वो है स्वानंद तृप्ति। चार व्यक्तिला सदैव सुख देनारा, कौन है जो हर एक व्यक्ति को हमेशा सुख देता है, टाइटल ही है योगी सर्वकाल सुखदाता, तो आंसर क्या हो गया उसका, योगी। ठीक है, फिर उसके बाद पांच सर्वकाल सुखदाता, कौन है सर्वकाल सुखदाता, योगी पुरुष, योगी लिखो या योगी पुरुष लिखो। योगी पुरुष तत्पूर्ती तहान भागवणारे, टेम्पररीली अपना थर्स जो है पूरा करने वाला क्या है, यस पानी। सात पाण्याचे अधः पतन यातून होते, ढगाचा पानी कहां से आता है, क्लाउड्स में से आता है ना, तो पानी हम लोगों को कहां से मिलता है, ढगाचा मुखातून। ढगाचा मुखातून अधःपतन होना यानी गिरना, कहां से गिरता है, बादलों में से गिरता है। आठ श्रवण कीर्तनाने योगी यांना शांत करतो, श्रवण कीर्तनाने अभी कीर्तन सुनाकर अच्छी अच्छी बातें बताकर योगी जो है वो किसको शांत करता है, लोगों को शांत करता है, तो आंसर क्या आएगा, लोकान्ना। इसके लिए लोग जाते हैं ना, कहीं भजन लगा है कीर्तन लगा है तो लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं सुनने के लिए, क्यों सुनने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो सुनने से क्या होते हैं, दिल को खुशी मिलती है, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, कुछ लोगों के जो डाउट्स होते हैं मन में वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, इसके लिए लोग कीर्तन सुनने के लिए जाते हैं। नौ पाण्याची गोळी फक्त हिला सुख देते, अभी जैसे अभी ही एक्सप्लेन किया ना मैंने, पानी जब पीता है क्या ड्राई हो जाता है, अपना टंग बींग सब ड्राई होता है ना, तो पानी की गोड़ी मीन्स पानी का जो स्वीटनेस है सिर्फ
इसे ही सेटिस्फाई करता है। तो किसे सेटिस्फाई करता है, अब तक आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों को, जीभेला, जीभ यानी टंग। ओके, तो किसे वो सूख देता है, तो वो है जीभेला। उसके बाद है 10, प्रस्तुत अभंग यातून घेतला। अभी ये जो अभंग किसमें से लिया है, आप लोग को टेक्स्ट बुक में से जब भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो हमेशा बताती हूँ कि इसमें से ये लिया हुआ है। तो ये अभंग जो लिया है वो है एकनाथी भागवत में से लिया हुआ है, संत एकनाथ है ना, उनके भागवत में से लिया हुआ है। और कभी तुम लोग को समय मिले तो ये जरा मूवीज वगैरह देख लो भागवत। वर वर चा मळ धुणारे, ऊपर ऊपर का क्लीन करने वाला, क्या है रोज नहाते हो ना तुम लोग, क्यों नहाते हो, बहुत पसीना आ गया है, चिक चिक हो गया है, नहाने के बाद बहुत फ्रेश लगता है, तो किससे नहाते हो तुम लोग, पानी से। क्यों नहाते हो, क्योंकि वो ऊपर से क्या करता है, अपने बॉडी को क्लीन करता है। तो वर वर चा मळ धुणारे काय, तर पानी। क्वेश्चन समझो तो आंसर लिख पाओगे। ओके, गॉट इट, आई होप तुम लोग को अभी इजी लग रहा होगा। ये जो मराठी का डर है ना तुम लोग के मन में, वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है तुम लोग को, भाई मेरे चैनल में बने रहना है तो ही आप लोग का ये डर जाएगा, वरना यहाँ वहाँ भागोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग आपको पता चलेगा और कैसे लिखने हैं आंसर्स वो भी पता चलेंगे। ठीक है, कितने तो मुझे बच्चे मिलते हैं ना, वो बोलते हैं आपने हमारी जान बचाई है मैम मराठी और हिंदी में, वरना हम लोग का क्या होता पता नहीं। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं हूँ आप लोग के साथ एंड तक। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन टैप करके, ऑल का बेल का आइकन टैप करना मत भूलना, वरना लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आप लोग को, मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। फिर कमेंट्स करते बैठते हैं कि मिस कभी था लाइव स्ट्रीम, हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग को देखना था, ऐसा वैसा कुछ पूछना था, फिर वो मिस हो गया तो मिस हो गया आप लोग का। ठीक है, इसके लिए हमेशा कहती हूँ बेल का आइकन टैप करके ऑल पे जाना, ठीक है, जिससे आपके जो लाइव स्ट्रीम है वो मिस न हो, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आप लोग को बताती हूँ लाइव स्ट्रीम में, तो आपके डाउट्स भी होते हैं तो वो तुरंत तभी ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, कृति 3, कवितेतील शब्दांचे अर्थ। अभी कविता में कुछ वर्ड्स है उसके मीनिंग आप लोग को यहाँ पर लिखने है, तो पुढील शब्दांचे अर्थ। अभी ये पुढील शब्दांचे अर्थ लिखा, ऐसे लिखा है इन लोगों ने, ये आप लोग को एग्जाम में ऐसे भी आएगा, समानार्थी शब्द लिया, समानार्थी शब्द मीन्स सिनोनाइम्स, तो सिनोनाइम्स लिखो इस वर्ड का, या फिर इस शब्दों के अर्थ लिखो, मीनिंग एक ही है। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया उन लोगों ने। अभी समानार्थी शब्द तो आपको बहुत यूज टू है, अगर शब्दांश अर्थ लिखो, कोई कोई कंफ्यूज हो जाते हैं भाई शब्दांश अर्थ लिखो, ऐसे क्यों पूछा इन लोगों ने, समानार्थी नहीं लिखा है इन लोगों ने, तो ये जो तुम लोग यूज टू हो जाते हो ना क्वेश्चंस के ऊपर, तो वैसे मत रहना। अभी शब्दांश अर्थ लिया का मतलब भी समानार्थी शब्द ही है, दैट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। ओके, चाहे वो समानार्थी पूछे या शब्दांश अर्थ पूछे, गॉट इट, गुड। अभी उदक, उदक यानी पानी, लेकिन मराठी में पानी नहीं लिखेंगे तुम लोग, मराठी में उसे कहते हैं पानी। बहुत से बच्चे हिंदी एंड मराठी में कंफ्यूज होते हैं, तो मराठी में इसे लिखते हैं पानी। पांखोवा, पांखोवा का मतलब होता है पंख, बर्ड के जो पंख होते हैं उसे पांखोवा कहते हैं, तो उसका अर्थ है पंख। निर्मल, निर्मल यानी क्लीन, स्वच्छ। ये जो समा जोड़ाक्षर है ना, ये जरा लिखने की प्रैक्टिस करो भाई तुम लोग, सॉरी, स्वच्छ। ठीक है, फिर मधुरता, मधुरता मीन स्वीटनेस, तो उसे कैसे लिखेंगे हम लोग, गोड़वा। जल, जल का मतलब भी क्या होता है, पानी, हिंदी में जल बोलते हैं पानी। मेघ, मेघ ढग। उसके बाद है जन, जन का मतलब होता है लोक, हिंदी में लोग कहते हैं और मराठी में उसे लोक कहते हैं, ध्यान में रखना, लिखते समय बहुत गड़बड़ करते हैं तुम लोग। फिर तृप्ति, तृप्ति का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, तृप्ति समाधान। तृप्ति समाधान। निज ज्ञान,
मतलब आत्मज्ञान, ओके आत्मज्ञान बोलते हैं उसको, मराठी में आत्मज्ञान बोलते हैं और हिंदी में आत्मज्ञान बोलते हैं, ओके तो आत्मज्ञान मीन्स नॉलेज ऑफ द सेल्फ, ओके या फिर सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं ना हम लोग वो, तो निज ज्ञान आत्मज्ञान। उसके बाद है सुखदाता, सुखदाता मतलब सबको क्या देने वाला है, सुख देने वाला, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग मराठी में, आनंद देणारा। आनंद देणारा, आनंद देणारा मीन द वन हु गिव्स हैप्पीनेस। नाउ नेक्स्ट कृती चार, काव्य सौंदर्य एक, योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे विधान तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। अभी योगी पुरुष जो है वो पानी से किस तरह से ग्रेट है, ये तुम लोगों को उन्होंने तुम्हारे अपने वर्ड्स में लिखने के लिए कहा है। तो जब मैंने ये लेसन एक्सप्लेन किया है तो कम्प्लीटली टोटली पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो भी इसका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे, ये सवाल जो है ना बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछा गया था, योगी पुरुषाचे श्रेष्ठत्व तुम चार शब्दात स्पष्ट करा, योगी पुरुष का ग्रेटनेस तुम लोग की वर्ड में स्पष्ट करो, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। और बुक में तुम लोगों को ऐसे दिया, योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ है हे विधान तुम चार शब्दात स्पष्ट करा, और बोर्ड में ऐसे आया था ये सवाल। एनी हाउ क्वेश्चन कैसे भी आए आंसर क्या लिखना है वो समझना इम्पोर्टेंट है। तो अभी टाइम सेव करने के लिए मैं आप लोग को रीड और एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। ये देखो यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया है, बोर्डाची नमूना कृती पत्रिका योगी पुरुषाचे श्रेष्ठत्व तुमच्या शब्दात लिहा। अभी इतना सब लिखते बैठूंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए मैं डायरेक्ट रीड करके और एक्सप्लेन करती हूँ तुम लोग को। संत एकनाथ महाराजांनी योगी पुरुष व पाणी यांची प्रस्तुती अभंगात सार्थ तुलना केली आहे व योगी पुरुषाचे श्रेष्ठत्व ठसवले आहे। तो इन शॉर्ट संत एकनाथांनी पाणी आणि योगी पुरुष यांच्यामध्ये या कवितेत तुलना केलेली आहे। बहुत ज्यादा हाईफाय नहीं लिखना है तो सिंपल वर्डिंग्स में भी आप लोग लिख सकते हैं। योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे ये तो प्रूव कर ही दिया है उन्होंने। हे सांगताना ते म्हणतात पाणी हे वरवरचा मळ धुऊन टाकते परंतु योगी सर्वजनांचे मन अंतर्बाह्य निर्मळ करून सोडतो। अभी ये इतनी बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आई डोंट थिंक कि अभी तुम लोग को बार बार मैं वही रिपीट करूँ। पानी सिर्फ ऊपर से मल साफ करता है लेकिन योगी जो है वो इंटरनली पूरा हमें क्लीन करता है, इनर क्लीनलीनेस करता है वो हमारे अंदर। पाण्याने एका वेळची तहान भागवते परंतु योगी पुरुष हा सर्वांसाठी सर्वकालीन सुख देणारा सज्जन आहे। पाण्याचे सुख क्षणिक आहे, तात्पुरते आहे, तात्पुरते मीन्स टेम्पररी, क्षणी मीन्स पलभर का, पण योग्याने दिलेल्या सुखात विकृती नाही, विकृती मीन्स कुछ भी गलत या नेगेटिव्हिटी नहीं होती है जब योगी हमें कुछ भी बताता है। तो योगी पुरुष सर्वांना स्वानंद तृप्ती म्हणजे अक्षय परमानंद देतो। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है अक्षय का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होता है, सर्वकाल हमेशा हमेशा के लिए, ओके चिरकाल वो भी वर्ड है तुम लोग को। अक्षय, अक्षय कुमार का नाम अक्षय क्यों रखा है, हमेशा सक्सेस रहने वाला इंसान, ओके तो अक्षय का मतलब समझ में आया, कभी भी खत्म न होने वाला, परमानंद देतो। पाण्याची गोडी फक्त जिभेपुरती मर्यादित असते, पाणी का स्वीटनेस सिर्फ टंग तक ही लिमिटेड होता है, परंतु योग्याच्या आत्मज्ञानाची गोडी सर्व जनांच्या सर्व इंद्रियांना शांत करते। तो योगी का जो आत्मज्ञान है वो सारे ऑर्गन्स को हमारे शांत करने का काम करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करना सीखते हैं, ठीक है। पाण्याने माणसाची पोटाची भूक भागते परंतु योगी पुरुष श्रवण कीर्तनाने माणसाच्या मनाचे पोषण करतो। पाणी सिर्फ हमें खाना देता है लेकिन योगी पुरुष क्या करता है, उसके कीर्तन हम लोगों को सुना के हमारे इंटरनली हमारे जो भी डाउट्स है या कोई दुख है उसे भी वो दूर करने का काम करता है, और सुख शांति समाधान हम लोगों को कीर्तन में से मिलता है। अशा प्रकारे योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे संत एकनाथांनी, सोदाहरण का मतलब होता है उदाहरणासह विथ एग्जाम्पल पटवून दिले आहे, प्रूव किया है, ओके आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया है। तो लाइक किया गया नहीं तुम लोगों ने अभी तक, लाइक नहीं करोगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, आगे देख लो तुम लोग। उसके बाद नेक्स्ट
टू जो है योगी पुरुष आणि पाणी हे दोघे ही सामाजिक कार्य करतात हे स्पष्ट करा। अभी देखो ऊपर लोगों ने क्या पूछा था हम लोगों ने कि योगी पुरुष पानी से किस तरह से श्रेष्ठ है, उसका आंसर लिखने के लिए कहा था। अभी इन लोगों ने क्या कहा है यहाँ पर, योगी पुरुष यानी पानी ये दोनों किस तरह से सोशल वर्क करते हैं ये जरा क्लियर करो। ये इन लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कैसे योगी पुरुष यानी पानी हे दोगे ही सामाजिक कार्य करता हे स्पष्ट करा। तो तुम लोग आंसर कैसे लिखोगे, योगी पुरुष आणि पाणी हे दोन्ही ही जनकल्याणासाठी छटतात। अभी ये दोनों जन इसके लिए काम कर रहे, लोगों का कल्याण करने के लिए ही काम कर रहे। अभी पानी है इसके लिए हम लोग जिंदा है क्या नहीं, और योगी पुरुष भी जो हमें ज्ञान देता है उसके सहारे भी हम लोग जिंदा है। ओके तो दोगे ही जनमानसाची निस्पृह सेवाच करतात। निस्पृह का मतलब होता है निस्वार्थ सेवा ही करते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग पानी के बारे में बताएंगे कि पानी किस तरह से लिविंग थिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। पानी है मानवाला जीवनदायी है, जिंदा रखता है ना वो हम लोग को। चराचरातील प्राणी सृष्टि जितने भी लिविंग थिंग्स है उनके लिए, व वनस्पति सृष्टि मीन्स ये जो ट्रीज वगैरह है उसे वनस्पति कहते हैं, प्राणी यानी ये जो चींटी से लेके सारे। ओके पाण्यामुळे जीवंत राहते, किसकी वजह से जिंदा है, पाणी की वजह से। पाणी माणसाची तहान तर भागवते परंतु पोटाची भूक ही शमवते, प्यास और भूख भी वो मिटाने का काम करते, शमवना मीन्स मिटाना। पाण्यामुळे धरतीवर अन्नधान्य पिकते, पाणी की वजह से अनाज है ना, पेड़ पे फल आते हैं, अनाज उगता है। पशु पक्ष्यांना पाण्यामुळे चारा मिळतो, उन्हें भी ग्रास वगैरह मिलता है खाने के लिए। पाण्यामुळे साऱ्या निसर्गात चैतन्य संचारते, पाणी है इसके लिए सब कुछ है, पाणी नहीं तो कुछ भी नहीं। सारी सृष्टि तरारून उठते, अभी बारिश के मौसम में देखोगे तुम लोग तो कैसे सब कितनी ग्रीन और कितने सारे पेड़ बीड़ हरे भरे और फ्रेश दिखाई देते हैं, मौसम कितना सुहाना हो जाता है क्या नहीं। अशा प्रकारे पाणी है मानवासाठी सामाजिक कार्य करते, तो ये सोशल वर्क किसका है, पाणी का है। अभी योगी पुरुष, योगी पुरुष हा या मृत्यु लोकात जन्म घेतो। अभी योगी पुरुष जो है, अभी ये जो दुनिया हम लोग जहां पर रह रहे हैं उसे मृत्यु लोक कहते हैं। क्यों उसे मृत्यु लोक कहते हैं, क्योंकि जो भी यहां पर पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना ही है, तय है मरना, इसके लिए इसे मृत्यु लोक कहते हैं। तो ये जो गॉडली आत्माएं जो है वो मृत्यु लोक में पैदा होती है। ओके तो तप साधने ने आत्मज्ञान प्राप्त कर दो, फिर लोग तपश्चर्या करते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद है, महावीर है, बुद्ध है ना, इन लोगों ने क्या किया है, तपस्या करके अपने आप को उन लोगों ने इतना पावरफुल बनाया हुआ है और उसका ही उन लोगों ने जन कल्याण के लिए उपयोग किया हुआ है। जैसे ऑर्डिनरी लोग है जो बहुत ही दुख में बहुत ही टेंशन में जी रहे हैं, तो उन लोगों को गाइड करने का काम ये लोग करते हैं। त्या आत्मज्ञानाची शिदोरी ते जनमानसात श्रवण कीर्तनाने वाटतो, तो जो भी उन लोग को ज्ञान मिला है वो उनके वो कीर्तन में से लोगों को सुनाते है। सर्वाना तो सर्वकाल सुख दे, तो हमेशा वो क्या देता है, लोगों को सुख देने का काम करता है। इंद्रियांचे ताप हरण करून त्यांना अक्षय परमानंदाची ठेव अर्पण करतो, इंद्रिय जो है ऑर्गन्स जो है उनके अंदर का जो हीट है उसे वो कम करता है और उसे शांत करने का काम योगी करता है, और हमारे इंद्रियों को क्या करता है, वो परम आनंद देता है। योगी पुरुषाच्या आत्मज्ञानाने माणसांची मने निर्लेप निस्वार्थी व निर्मळ होतात। फिर जो भी हमारा नेचर होगा, हम बहुत सेल्फिश होंगे, बहुत नीच होंगे, जलस होंगे, लोगों को देख के जलते रहेंगे, अगर जब हम लोग उनके कीर्तन वगैरह सुनते हैं तो उसमें से हम लोगों को ऐसे ज्ञान मिलता है कि नहीं नहीं ये जो हमारा नेचर है वो गलत है, जो भी सफर कर रहा है उसे हमें हेल्प करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, उसे मदद करनी चाहिए। जैसे कोई है आपके दोस्त जिन्हें मराठी और हिंदी बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है, तो उन लोगों को तुम्हें हेल्प करना चाहिए, उन्हें मेरे चैनल के बारे में बताना चाहिए, तो ये क्या होता है, पुण्य का काम होता है। ठीक है, तो किस तरह से निस्वार्थीपने से रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, निर्मल रहना चाहिए, वो हम लोगों को योगियों से पता चलता है। ओके जो भी तप बीप करके उन्होंने नॉलेज हासिल किया है उसमें से वो हमें बताते हैं, वो ज्ञान बांटते हैं।
अशा प्रकारे योगी पुरुष ही सामाजिक कार्य निष्पृहपणे करतो। इस तरह से योगी पुरुष भी सोशल वर्क करता है, उसके पीछे उसका कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। ओके, हाँ, तो इस तरह से आंसर लिखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3, सर्व काळ सुखदाता असे योगी पुरुषास म्हणण्याची कोणती कारणे असावीस असे तुम्हास वाटते। अभी ये जो योगी पुरुष है उसको सर्व काळ यानी हमेशा के लिए वो सुखदाता ही है, सुख देने वाला ही है, तो इन लोगों ने ऐसे क्यों कहा है इस संतवाणी में, इस अभंग में, कि वो सुखदाता ही है। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, व्हाट इज योर ओपिनियन। तो ये स्वमत है, ये सवाल तुम लोगों को एग्जाम में स्वमत में भी आएंगे, तो कंफ्यूज मत होना, यही आंसर लिखने। स्वमत का मतलब क्या होता है, स्वमत मीन्स योर ओन ओपिनियन, तो एक पर्टिकुलर इसके ऊपर आपका खुद का क्या ओपिनियन है, वही इन लोगों ने यहाँ पर पूछा है। अगर अब संतवाणी आपको समझ में आई है तो आप लोग अपना ओपिनियन इसमें दे सकते हैं कि योगी को सर्वकाल सुखदाता क्यों कहा है। योगी सर्वकाळ सुखदाता या कवितेत संत एकनाथ महाराजांनी योगी पुरुषाची सार्थ लक्षणे सांगितली आहेत। कौन से सिम्पटम्स है एक योगी पुरुष के। योगी पुरुष माणसाचे मन आतून बाहेरून निर्मळ करतो, म्हणून तो पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे। इंटरनली भी इंसान को हील करता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ वे वो क्या करता है, इंसान को हील करता है, इसके लिए वो पानी से भी श्रेष्ठ है। योगी पुरुष सर्वांना स्वानंद तृप्ती म्हणजे अक्षय आनंद देतो, योग्याकडे आत्मज्ञान असते, त्याची गोडी तो सर्व जनांना देऊन इंद्रियांना शांत करतो। योगी पुरुष श्रवण कीर्तनाने माणसाच्या मनाचे पोषण करतो, म्हणून योगी पुरुष हा सर्वांसाठी सर्वकालीन सुख देणारा सज्जन आहे, तो हमेशा क्या देने वाला है, सुख देने वाला एक सज्जन इंसान है। ओके, इतना ही, अभी आपका ओपिनियन है, एज पर मार्क्स यू हैव टू राइट यूअर ओपिनियन। 2 मार्क का है तो कम ओपिनियन दो, ज्यादा मार्क के हैं तो ज्यादा ओपिनियन दो, ठीक है, लेकिन पॉइंट को पकड़ के, पॉइंट को छोड़ के नहीं देना है आप लोग को अपना ओपिनियन। अभी नेक्स्ट, कृतिपत्रिकेतील प्रश्न 2 आ साठी प्रश्न पुढील कविते संबंधी त्याखाली दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवा, और ये एग्जाम में आता ही है आप लोगों को, इसके लिए बोलते हैं ना, कभी भी कोई भी लेसन है, कोई भी कविता है, तो उसका नाम, उसका लेखक कौन है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए और उसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर इन लोगों ने जो इम्पोर्टेंट दिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोंद मीन्स परीक्षेत 6 पैकी 1 व 2 गुणांचे मिळून 5 मुद्दे विचारले जातात, तो एग्जाम में टोटल 5 आंसर्स वो लोग पूछते हैं, ठीक है। येथे सरावासाठी सर्व 6 मुद्दे दिलेले आहेत, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, सराव मीन्स प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को 6 पॉइंट्स दिए हुए है। तो अभी कविता, योगी सर्वकाळ सुखदाता, तो कविता का नाम क्या है वही लिखना है, योगी सर्वकाळ सुखदाता। ठीक है, प्रस्तुत कवितेचे कवि किसने लिखी है ये कविता, संत एकनाथ। प्रस्तुत कवितेचा विषय, टॉपिक क्या है इस कविते का, तो अभी इसका जो विषय है उसमें उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया है कि संत एकनाथ महाराजांचा हा अभंग योगी पुरुषाचे महत्व सांगणारा आहे, ऐसे भी लिख सकते हैं, किंवा योगी पुरुष व पाणी या दोघांमधील फरक सांगणारे आहे, ये भी तुम लोग लिखोगे तो भी तुम लोग को मार्क्स मिलेंगे। 3, प्रस्तुत कवितेतील ओळींचा सरळ अर्थ, ठीक है, जो मैंने रीड करके बताया था आपको, आपको अगर समझ में आया है तो आप लोग लिखोगे, तैसे योगी आसी खालुते येणे जे इहलोकी जन्म पावणे जन निववी श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धरी। तो उसका भावार्थ जो है, आकाशातील ढगातून पाणी खाली मातीवर येते, त्यामुळे त्यातून अन्नधान्य निर्माण होते, याप्रमाणे त्याप्रमाणे योगी पुरुष जेव्हा धरतीवर अवतरतो म्हणजेच जेव्हा तो इहलोकात जन्म घेतो, इहलोक मीन्स मृत्यूलोक, इहलोकात जन्म घेतो, तेव्हा त्याच्या बोलण्याने
ते बोल ऐकण्याने लोकांची मने तृप्त होतात. योगी पुरुष आत्मज्ञानाने लोकांचा उद्धार करतो. ठीक है, अभी वही वही है, वही वही क्या रिपीट करूं मैं, अभी तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा. अभी इसका भावार्थ तो तुम लोग को वर्कबुक में भी मिल ही जाएगा ना. ये ना वर्कबुक में तुम लोग को दिया हुआ ही है, ये देखो है क्या नहीं. योगी पुरुष जेवा खाली धरती रहे तो मंजे तो यह लोकात, वर्कबुक में ही है इसका आंसर भावार्थ, है ना. तो ये लिखो, ये इजी लग रहा है आप लोग को तो. ठीक है, अभी नेक्स्ट उन लोगों ने पूछा है प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश. तो क्या मैसेज मिला. योगी पुरुष तपसाधनेने आत्मज्ञान प्राप्त करतो. योगी पुरुष काय करतो, तपश्चर्या करतो, मग त्याला काय प्राप्त होते, आत्मज्ञान प्राप्त होते. त्या आत्मज्ञानाची शिदोरी तो जनमानसात श्रवण कीर्तनाने वाटतो. किंवा असं लिहा, तो श्रवण कीर्तनामध्ये त्याला भेटलेलं जे ज्ञान आहे ते लोकांपर्यंत पोहोचवतो, असं लिहिलं तरी चालेल. योगी पुरुषाच्या आत्मज्ञानाने माणसांची मने निर्लेप, निस्वार्थी व निर्मळ होतात. म्हणूनच योगी पुरुषाच्या सानिध्याने भवसागर पार करण्याचे आत्मिक बळ आणि मनशांती मिळते, असा संदेश या अभंगातून मिळतो. ओके, सेम आहे ते, तेच काय सांगणार, वही वही क्या रिपीट करू घडी घडी. 5, कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे. अभी किसी को कविता अच्छी लगी होगी, किसी को अच्छी नहीं लगी होगी, तो क्या रीजन है, पसंद आई तो क्यों, नहीं पसंद आई तो क्यों पसंद नहीं आई. वो संत एकनाथ महाराजांनी योगी पुरुष व पाणी यांची प्रस्तुत अभंगात सार्थ तुलना केली आहे व योगी पुरुषाचे श्रेष्ठत्व ठसवले आहे. पाण्याने एकावेळची तहान भागते, परंतु योगी पुरुष हा सर्वांसाठी सर्वकालीन सुख देणारा सज्जन आहे. ही बाब संत एकनाथांनी सोदाहरण सोप्या शब्दात पटवून दिली आहे. त्यांनी विशद केलेले योगी पुरुषाचे महत्व थेट मनाला भिडते. सत्संगाने जीवनाचे मार्गदर्शन व मनशांती मिळते, हे मनोमनी पटते. म्हणूनच हा अभंग मला आवडतो. तो हम लोगों ने, हमें पसंद है, ऐसे अपना एक ओपिनियन इसमें दिया हुआ है. ठीक है, इसे सिंपल लैंग्वेज में भी तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तुम्हारे खुद के लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो. ओके, अभी 6, प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या शब्दांचे अर्थ लिहिणे. अगेन शब्दांचे अर्थ लिहा, समान अर्थी शब्द लिहा. 1, निर्मळ. अभी हम लोगों ने लिखा हुआ ही है निर्मळ, स्वच्छ, जन लोक, उदक पाणी, मधुरता, मधुरता गोडवा. ओके, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों के वर्कबुक में या फिर लेसन में, वो होता है भाषाभ्यास. कृतिपत्रिकेतील प्रश्न 4 अ व आ यांसाठी. अभी तुम लोग का एग्जाम पेपर जो होता है उसमें प्रश्न 4 अ और आ में ये भाषाभ्यास आता है. व्याकरण घटकावर आधारित कृति. वाक्प्रचार, पुढील वाक्प्रचारांचे अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. अधपतन होणे, इसका मतलब होता है अपना जो लेवल है ना वो नीचे जाना, तो उसे कहते हैं मराठी में दर्जा घसरणे. अधपतन होने, दर्जा घसरणे. भाई यहां से ही कंटिन्यू करती हूं वाक्य. हल्लीच्या काळात, मीन्स आजकल, सदाचाराचे, सदाचारांचे अधःपतन झाले आहे. लोक बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो गए हैं, उत्थट बोलते हैं ना वैसे, तो सदाचार नहीं रहा है, अच्छे विचार नहीं रहे, अच्छा आचरण नहीं रहा है, तो उसका क्या होते जा रहा है, अधपतन होते जा रहा है. लेवल ऑफ पीपल डे बाय डे इज गोइंग डाउन एंड डाउन. ओके, उसके बाद है 2, जन्म पावणे. जन्म पावणे का मतलब है जन्म घेणे, पैदा होना. ओके, जन्म पावणे, जन्म घेणे.
तो ऐसे हम लोग लिखेंगे अभी 10th स्टैंडर्ड के, थोड़ा सा हायर लैंग्वेज यूज करो तुम लोग, के युगा युगातून। युगा युगातून एखादा महात्मा महात्मा या पृथ्वीवर जन्म पावतो। ठीक है, युगो युगों से एखादा महात्मा इस धरती पे जन्म लेता है। जो लोग भटक रहे हैं, भूले भटके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो उनको गाइड करने के लिए एक महान आत्मा जो है वो धरती पे आती है और वो गाइड करती है। जैसे जीसस है, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी समर्थ है, ये लोग क्यों आए हैं धरती पे? हम लोगों को गाइड करने के लिए वो लोग पैदा होके धरती पे आते हैं, तभी तो ये दुनिया चल रही है ना। क्योंकि लोग कन्फ्यूजन में कितना जिएंगे, तो उनको गाइड करने के लिए वो लोग आते हैं धरती पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है भाषिक घटकांवर आधारित कृति, एक शब्द संपत्ति, पुढील शब्दांसाठी कवितेतील समानार्थी शब्द लिहा। अभी ये देखो भाई, सिर्फ समानार्थी शब्द लिहा और कवितेतील समानार्थी शब्द लिहा, ये इसमें बहुत फर्क है। ठीक है, अभी इन लोगों ने जो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, उसके लिए कविता में कौन सा शब्द यूज किया गया है, उसे हम लोगों को यहाँ पर लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। तो ध्यान में रखो भाई, कवितेतील समानार्थी शब्द लिहा का मतलब है कविता में आए हुए समान अर्थ हम लोगों को यहाँ पर आंसर में लिखने हैं। ठीक है, तो अभी जीभ, जीभ के लिए कविता में कौन सा शब्द यूज किया है इन लोगों ने? अभी देखो, जीभ के लिए यहाँ पर क्या यूज किया है? रसनेची तत्वता। तो जीभ के लिए कविता में शब्द यूज किया है रसना, तो वही लिखना है हम लोग को। तो जीभ के इधर आएगा समान अर्थी रसना। पानी, पानी के लिए उदक और एक कुछ है शब्द, पानी के लिए उदक है और एक कौन सा शब्द है ये तुम लोग मुझे बताओगे कमेंट करके। ठीक है, उसके बाद है गोड़पना। गोड़पना के लिए क्या है? मधुरता। ओ मधुरता। ढग, ढग के लिए कौन सा शब्द यूज किया है इन लोगों ने? मेघ। कविता में ढूंढो तुम लोग को मिल जाएगा। आग, अग्नि। काम के लिए काज, कॉमन है ये दोनों के लिए, दोनों कविता में। फिर गाय, गाय के लिए धेनु, और ये 100% एग्जाम में पूछा गया हुआ सवाल है समान अर्थी शब्द में, गाय का मतलब है धेनु। उसके बाद जमीन, तो जमीन के लिए धरणी। ओके, ओवरऑल संतवाणी में के पूछे इन लोगों ने, तो एक ही में योगी सर्वकार सुख दाता, मैं ढूंढते मत बैठो, दोनों मिला के पूछे हैं। ओके गुड, वेरी स्मार्ट। टू, विरुद्धार्थी शब्द लिहा। तो विरुद्धार्थी शब्द इन लोगों ने ऐसे कुछ इसमें मेंशन नहीं किया है कि संतवाणी जो कविता है उसी में से ढूंढ कर लिखो, तो इसमें हम लोग हमारे मन से लिख सकते हैं। तो दास, दास का मतलब क्या होता है? नौकर। तो नौकर का अपोजिट क्या आएगा? मालक। दास, मालक। मृदु, मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट, तो सॉफ्ट के अपोजिट क्या आएगा? कठिन। कठिन भी आ सकता है और टनक भी आ सकता है, देखो कौन सा इजी पड़ेगा आप लोग को। सुखी, ये तो बहुत इजी है क्या नहीं, लेकिन लिखते समय गलतियां करते हो क्या नहीं? सुखी और दुखी ऐसे लिखते हैं, इसके लिए मैं बोलती हूँ ना आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करो। तृप्त मीन सेटिस्फाइड,
के अपोजिट आता है अतृप्त। जन्म जन्म मृत्यु। ज्ञान अज्ञान। गोड़ कड़ू। विकृति विकृति मीन्स एबनॉर्मल बिहेवियर होता है ना, वो इसके ऑपोजिट आएगा प्रकृति। ओके नेक्स्ट जो लिया है पूरी शब्द समूह बदल एक शब्द लिया। यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उसको एक ही वर्ड में लिखना है, आप लोगों को एक ही शब्द में लिखना है। सदा सुख देनारा, हमेशा खुशी देने वाले को क्या वर्ड है? सुखदाता। दोन, पावसाचे पाणी पिऊन जगणारा काल्पनिक पक्षी। काल्पनिक मीन्स इमेजिनरी बर्ड। कौन सा है? चकोर। नहीं नहीं, चातक। देखो ऐसे कंफ्यूज मत होना तुम लोग। जो बारिश का पानी पी के जिंदा रहता है, देखो ये दोनों संतवाणी मिला के है ये वाले क्वेश्चंस। कंफ्यूज मत होना तुम लोग। फिर उसके बाद वचन ओळखा। पिल्ले, अभी पिल्ले एक वचन है क्या अनेक वचन है ये लिखने के लिए कहा है उन लोगों ने। एक वचन अनेक वचन लिखने को नहीं कहा है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन क्या पूछा है? वचन ओळखा। तो ये जो पिल्ले लिखा हुआ है वो कौन सा वचन है? तो वो है अनेक वचन। इसके लिए बोलती हूँ क्वेश्चन समझोगे तो आंसर लिख पाओगे। वने वने, वन का अनेक वचन है वने, तो ये भी क्या है? अनेक वचन। नेक्स्ट है वचन बदला। वचन बदला में पिल्लू पिल्ले, वने वन। उसके बाद है लिंग बदला। पक्षी पक्षिणी। चेंज द जेंडर। गाय बैल। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेखन नियम। गटातील अचूक शब्द ओळखा। तो यहाँ पर तुम लोग को ये लोग चार पांच शब्द देते हैं, उसमें का परफेक्ट शब्द कौन सा है वो लिखना है। तो मैं तुम लोग को वो अंडरलाइन करके देती हूँ। तो देखो यहाँ पर दिया है दातृत्व 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 दातृत्व। तो लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो फटाक से समझ में आ जाएगा। तो इसमें का दातृत्व जो है वो यहाँ पर लिखना तुम लोग। दोन, अंतःकरण अंतःकरण नहीं अतंग करण, इसका प्रोनाउंसिएशन भी मुश्किल है। अंतकरण अंतकरण अंतकरण, तो प्रॉपर वर्ड जो ये है। पक्षिणी 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 पक्षिणी, तो ये परफेक्ट है। निर्मल 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 निर्मल, ये परफेक्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख देना तुम लोग। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमारे वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोगों ने सॉल्व कर दिए है। एंड आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। ओके तो तुम लोग अभी क्या करोगे? सबसे पहले लाइक करोगे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप कीजिए। फ्री है मेरा एजुकेशन, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरे इस चैनल को पहुँचाइए ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ओके करेंगे ना इतना तुम लोग मेरे लिए? ओके कोई डाउट है आप लोग को तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अगला जो है आप लोगों का शाल ये लेसन। इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैंने ऑलरेडी कर दिया है, इसे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग एक बार जाइए मेरे चैनल पर, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। तो आप लोगों को जब हम लोग वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे तो कोशिश करने वाली हूँ मैं कि लाइव स्ट्रीम में इसे करूँ। ठीक है, तो आप लोग और हम लोग मिलकर सब जन मिलकर ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो देन मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।